नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको इन्वर्टर बैटरी के बारे में। इसके बारे में आज हमको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। आप अपने बैटरी को ना रखें बेडरूम में, आपका बैटरा इन्वर्टर का बेडरूम में इन्वर्टर बैटरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से गैस निकलती है और वो आपके शरीर को हानिकारक होती है। प्लीज ऐसा कभी ना करें कि आप अपने इन्वर्टर बैटरी को बेडरूम में रखें, ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। दूसरी चीज है कि ये बैटरा इन्वर्टर का फट सकता है और फटने पे आप जानते हो बहुत नुकसान होगा, दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आप बेडरूम में इन्वर्टर बैटरा कभी ना रखें। अब थोड़े से इसके लिए उपाय सुनिए। अपने बैटरी का पानी हर रोज थोड़ा थोड़ा चेक करती रहिए, कम से कम ना देखने में एक हफ्ते में एक बार तो आपको पानी जरूर चेक करना चाहिए। और कभी भी ये ढक्कन है इन्वर्टर के बैटरी पे, ये टाइट ना रखें, क्योंकि अगर ओवर चार्जिंग होगी इसके अंदर गैस बनेगी तो आपका बैटरा फट सकता है। इसीलिए ये ढक्कन हमेशा उतार के रखिए, गैस निकलती रहेगी। और अगर आपको इन्वर्टर के बैटरी को देर तक चलाना है तो कंपनी का इन्वर्टर यूज कीजिए। अगर आपके गांव में कम लाइट आती है या जहां पर भी आप रहते हो कम लाइट आती है, तो उसके लिए आप लोकल बैटरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वर्टर बैटरा जो है लोकल बैटरा, इसमें क्या होता है कि लोकल बैटरा जो होता है वो लोकल इन्वर्टर जो होता है बैटरी को बहुत तकड़ी चार्जिंग देता है, इससे उसकी प्लेटें जल्दी गल जाती है और वो जल्दी खराब हो जाता है, साल डेढ़ साल पकड़ पाता है। अगर आप इस पर कंपनी का इन्वर्टर लगाएंगे तो वो आपकी 2-3 साल में निकाल सकता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी अपने सोने कमरे में जहाँ पर आप सोते हो या रहते हो उसमें बैटरी को कभी ना रखें। भले ही इन्वर्टर अंदर है आपके कमरे में, लेकिन बैटरा हमेशा बाहर होना चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों, बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम सोते हैं, गैस जाती है, हमारे बच्चे सोते हैं, दिक्कत आएगी। दोस्तों, अगर हमारा आपको एयरटेल न्यूज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए, ताकि हम आपको नई नई वीडियो ऐसे ही दिखाते रहें, बताते रहें इसके बारे में जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कीजिए एच एल न्यूज। नमस्कार दोस्तों।